तो डर लगता है आप लोगों को? और डर लकड़ियों को भी नहीं जा रहे हैं भैया, खाने पकाने की आफत हो रही है। टाइगर से क्या पूरी रात वहाँ बोलता रहता है। तो जो अटैक हुआ ना अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर लोगों ने धरना दे रखा है, फिर अब ढेला गेट के पास बैठे हुए हैं, जाम कर रखा है। अब उनकी क्या डिमांड है, क्या सीन है, ये बाद में पता चलेगा। अभी मैं जान पूछ के नहीं उतरा गाड़ी से, कि कोई अभी सोशल मीडिया वाला वहाँ नहीं था, तो हमने भी उनकी प्राइवेसी कंसर्न करी। आगे वाले टाइम में देखेंगे क्या डिमांड्स हैं उनकी, क्या है, और पुलिस वगैरह यहाँ खड़ी हुई है। और ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाके सामने की तरफ, मैं कहूँ अगर वहां से ट्रायंगल बन रहा है तो टाइगर कह रहे हैं वही वाला था, और वहां से लेके यहाँ तक कि 3-5 किलोमीटर के दायरे में आता हो, जो कि पॉसिबल है कि वही टाइगर हो। वहां जाके है, और जहाँ ये पहला हादसा हुआ था वो जगह आगे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये जगह देख लो। लास्ट जो फाइट थी दोस्तों गांव वालों की, ये कह रहे थे शायद डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमें बॉडी दो रात भर रखने के लिए, तो दैट टाइगर आ जाए। अब उस पर पता नहीं क्या बहस हुई, या तो कपड़े, जैसे चुकम में क्या था, कपड़े रख दिए थे उस विक्टिम के जिसको टाइगर ने मारा, टाइगर सूंघता हुआ फंस गया, तो शायद यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि गाँव वाले ज़्यादा गुस्से में थे यहाँ पर। अब यही शायद इसी पर उनकी बहस चल रही है, क्या डिमांड है, पहले भी मैंने बताई है। वो कह रहे हैं टाइगर को शिफ्ट के वक्त है, फिर वही कहानियाँ सारी दोहराई जा रही हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। और जो लोग मैंने आपको दिखाया भी ब्लॉग में, जो लोग वहाँ उसको उस टाइम रेस्क्यू करके आए हैं, उनको लेडी को लेके आए थे, वो खुद घुस के गए, उन्होंने जंगल वहाँ जलाया आसपास की झाड़ियाँ ताकि बॉडी निकालने में आसानी हो, क्योंकि लेंटेनास के अंदर ले गया था, झाड़ में ले गया था और ज़्यादा टाइगर खींच के। टाइगर क्या करता है, जब अपना शिकार करता है तो उसे खींच के अंदर की तरफ ले जाता है ताकि कोई उसका शिकार छीने ना, आराम से छुपके बैठ के खाता है। छुपके खाने की आदत होती है टाइगर की। ऐसी वो बॉडी को ले गया, बॉडी को रिकवर करने में, निकालने में वहाँ से बहुत मुश्किल हुई, बहुत सारे फायर करे, तो फिर टाइगर बॉडी को छोड़ के भाग गया। फिर पब्लिक गई नीचे घुस घुस के लेट लेट के लेंटेनास के झाड़ के नीचे निकाल के लाई बॉडी को, पिंजरे लगा दिए, केजेस लगे हुए अंदर, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं है, टाइगर शायद उसमें नहीं आया। अब वो टाइगर अभी इसी टेरिटरी में है, अगर वो पकड़ा नहीं गया है तो कहीं ना कहीं उसकी रेंज में आ रही होगी टेरिटरी सारी। तो यहाँ के लिए वाकई में मुश्किल वक्त है लोगों के लिए भी, और वाकई में डिपार्टमेंट के लिए तो चल ही रहा है, सारी उंगलियाँ उन्हीं पर उठ रही हैं, हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। और मैं आपको देखता चल रहा हूँ, क्या पता कोई टाइगर हम भी स्पॉट कर लें यहाँ से। तो अब उस टाइगर को पकड़ा जाएगा, फिर उसका डीएनए लेके हैदराबाद भेजा जाएगा लैब में, जो इनकी लैब है हैदराबाद में, वहाँ से उसके रिजल्ट, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा जितने भी लगे। उसके बाद ये फिर इस आधार पे देखेंगे कि वाकई में मैनिटर है ये, क्या है ये, वही टाइगर है जिसने पहले मारा है या कोई और सा है। यार कई सारे कभी कभार ये भी हो जाता है कि दूसरे टाइगर कैप्चर हो जाते हैं, फिर उन्हें छोड़ना पड़ता है उस टाइगर, तो एकदम से टाइगर नहीं आता ना। अब यहाँ पे कपड़े रखते तो, अब रखे नहीं रखे ये भी नहीं पता, क्या पता रख दिए हों तब भी टाइगर नहीं आया, लेकिन ये कभी हम अनुमान लगा रहे हैं शायद नहीं दिए गाँव वालों ने कपड़े भी। तो अब वो टाइगर आया नहीं, मेरे ख्याल से अगर आया होता तो पता चल जाता, काफ़ी मुश्किल एक चीज़ हो जाती है अगर मैं कहूँ तो। तो मैनिटर जब अगर टाइगर हो जाता है या ऐसे इंसानों पर अटैक करने लगता है तो और ज़्यादा तेज़ी से सोचने लगता है वो कहीं ना कहीं समझ गया कि इस तरफ नहीं आना मुझे, यहाँ पे मुझे पकड़ने की साजिश चल रही है। इनमें जानवरों में सिक्स सेंस होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि इधर आना मेरा ख़तरा है, तो वो शायद आ नहीं रहा, अपने आप को हाइड करके रखेगा, और जहाँ जहाँ इंसान का अभी गुजर होगा वहाँ से वो अपने आप को अवॉइड करेगा, अटैक नहीं करेगा अभी,
इस इंसान पे, अभी वो अपने आप को छुपाएगा। जब थोड़ा दिन हो जाएंगे, जब भूख बर्दाश्त नहीं होगी उससे, तब फिर वो अपना रूप दिखाएगा। अगर वो सिर्फ इंसानों पर अटैक करा, उस केस में मैं बात कर रहा हूँ, क्या पता अभी वो डियर भी मार रहा हो, इत्तफाक हो कि वो दो महिला उसके सामने आ गई, उसने मार दिया हो, पता चल जाएगा अभी क्या है, पकड़ में आ जाए वो एक बार। यही होता है दोस्तों, टाइगर को पकड़ लिया जाता है, कई कबार गलत टाइगर पकड़ लिया जाता है, ये भी होता है, फिर उसे छोड़ते हैं, फिर बेचारे दोबारा से शुरू से मेहनत करते हैं। कोई ऐसा गली का कुत्ता तो है नहीं कहीं वहीं जाके यूँ पकड़ लोगे, मेहनत लगती है उस टाइगर जैसा, दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे वो सोच रहा है वैसा करना पड़ता है। एक बार हम यहाँ रात को जाते हैं तो इसी जगह पे हमें टाइगर भी स्पॉट होता है, मैं आपको वीडियो ला के दिखाऊंगा, आप देखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारा ध्यान चीज़ों का रखना पड़ता है हर किसी को। तो अभी डिपार्टमेंट वालों की गाड़ियाँ, अभी डायरेक्टर साहब की भी गाड़ी देखी थी मैंने, पार्क वार्ड जो वार्डन है उनकी भी गाड़ी देखी थी, सबका आना जाना लगा हुआ है, सब इसी मेहनत में लगे हुए हैं कि इस मामले को कैसे वो सुलझाया जाए, कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करा जाए। तो हर तरफ से कोशिश कर रहा हुआ डिपार्टमेंट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम और आप तो चीज़ों को देखो, किसी और की गाड़ी भी आ रही है, तो हम और आप तो देख रहे हैं, तो बेचारे जूझ रहे हैं इस चीज़ों से। अब यहाँ से वो लेडी को जो मैंने दिखाया था ना पिछली बार, जो अटैक हुआ था, यहाँ से लेडी का था ऐसे। अब आप ये रास्ता देखो, ये रास्ता जाके वहाँ ट्रायंगल बना रहा है उस जगह पे, है ना, तो टाइगर ऐसे निकल के ऐसे जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, या कुछ कह भी सकते, हो सकता है कोई दूसरा टाइगर हो, थ्रेट समझ के भी मार देता है ना दोस्तों, तो वो सीन भी हो सकता है। अब गुस्सा होता है लोगों में तो उससे कन्फ्यूजन भी बढ़ता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वही टाइगर हो यार जिसने और दूसरे टाइगरों पे आँच ना आए, ये भी बात मैं दोबारा कह रहा हूँ। हम अगर बात करें तो उनकी जान गई, हमें बहुत अफसोस है, मैंने बताया हम लोगों ने उस दिन खाना भी नहीं खाया जिस दिन इंसिडेंट हुआ, हकीकत बात है, देहरादून से हम आ रहे थे, आप ब्लॉग देखोगे हमारा समझ जाओगे, राजा जी कवर करके आए थे, हम राजा जी कवर करके आ रहे थे, हम सीधा यहाँ पे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली सीधा यहाँ आ गए, और जब हमने माहौल देखा तो वाकई में हलक से निवाला भी नहीं उतरता, उस दिन हम नहीं खाया, क्यों जी खाया था हमने, नहीं खाया, तो हमने खाना नहीं खाया उस दिन, अफसोस में रहे। कोशिश यही रहती है कि हमारी तरफ से जितने लोगों को अवेयरनेस मिल सके, हम अपने हैंड से काम करते हैं कि लोग सुरक्षित रहें, और डिपार्टमेंट भी कैंपेन बना के काम करता है, वो भी अवेयर करता है, तब बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं, ऐसी बात नहीं है सब, लेकिन बस वही है, जब लापरवाही होनी होती है, हादसा होना होता तो हो जाता है, अवेयरनेस भी 100% देखो इस चीज़ का तोड़ नहीं है, लेकिन हाँ ये है काफ़ी हद तक चीज़ों को बचा सकती है ये। अब यहाँ पे गांव में भी आ जाता है भाई, जंगल से सटे एरिया है तो यहाँ नॉर्मल थोड़ा इनका जानवर का वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट रहेगा, और वाकई में हम टाइगर को नहीं समझा सकते, हम इंसानों को ही समझा सकते हैं, टाइगर को तो समझ में नहीं आएगी ये बात, वो तो सीधा सीधा कहेगा तुम मेरे घर में आए, अगर उसको बोलना आ जाए तो उसने यही कहेगा मैं तो नहीं घर पे आया, लेकिन हाँ इनके लोगों की भी मजबूरी है, कुछ परेशानियां हैं, चलो इन्हें जंगल जाना पड़ता है, तो इसका कुछ ऐसा हल निकले कि ये परेशानी भी दूर हो, वरना फिर वही चीज़ें होती रहेंगी, फिर वही डिमांड्स होती रहेंगी, सब कुछ फिर वही चलेगा। तो सबके लिए यही है, दिल से दुआ है कि सब ठीक हो जाए, मेहनत हर कोई करता है, जो हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, ये लोग अपने तरफ से मेहनत करते हैं, मेहनत दोनों ही सूरतों में मेहनत हो रही है, डिपार्टमेंट को इनको भी लेके चलना है और टाइगर्स को भी लेके चलना है, बिल्कुल ठीक बात है, उनका पेशा उनकी ड्यूटी है, सॉर्ट आउट हो ठीक ठाक तरीके से, नॉर्मल तरीके से, कोई परेशानी ना हो ना ही डिपार्टमेंट को ना ही गाँव वालों, क्या कर सकते हैं लास्ट में, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, कल को कोई लापरवाही करे उसकी जान जाएगी, फिर यही कहानी शुरू होगी, ये सिलसिले शुरू होंगे। हम ये नहीं कहते कि आने वाले टाइम में हादसे होंगे होंगे, लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो चांसेस है कि बढ़ेगा ही, कई उसके रीजन्स होते हैं, आती है आ गए उस एरिया में टाइगर को मूव करना पड़ गया, ये जंगल श्रिंक हो गए तो टाइगर को बाहर की तरफ आना पड़ गया,
तो बहुत सारे सिचुएशंस में होता है ऐसा, कोई टाइगर आदमखोरी हो गया बफर जोन का, बहुत सारी चीज़ है। जंगल जब आओ तो कुछ ना कुछ सरप्राइज देता ही है, लेकिन ऐसे सरप्राइज ना दे यही हम दुआ करते हैं। कभी ऐसे हादसा ज़्यादा मैंने भी कवर नहीं करा, क्योंकि फिर मैंने बताया भी आपको वही बातें होती और वही चीज़ निकल के आती। भाई की शॉप है यहाँ पर, आए दो मिनट इनके पास रुकते हैं। दोस्तों हमारे भाई हैं कि फिरोज भाई, पहले ये वन विभाग में ही थे, अब इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। इनका मैंने चाय का स्टॉल भी दिखाया, बहुत बढ़िया इस रूट पे चाय मिलती है, जंगल चाय बार कैफे है इनका। तो इनके भाई से मेरी मुलाकात हुई थी इस स्पॉट पर, यहाँ टाइगर्स ने हाँ मारा था, तो ये यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा फिरोज भाई, लोगों ने वहाँ धरना दे रखा ठीक, तो हमने वहाँ शूट नहीं करा, लोगों की प्राइवेसी है उसे टेंशन रखा हमने। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या सीन है, क्या धरना है, किस बात की, अब क्या डिमांड है इनकी? डिमांड क्या है कि पहले से ही टाइगर को लेके, जैसे यहाँ पे भी एक कांड हुआ तो उसको लेके भी बात चल रही थी कि भाई इसको पकड़ो, और मुआवजे के लिए जो अमाउंट है वो बहुत कम है, लोकल के हिसाब से मानी जा रही है वो 25 लाख के आसपास का सोच रहे हैं कि उतना हो जाए, ताकि जिसके घर से कोई गया है पूर्ति हो सकती है, वैसे तो है नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा फिर उसके लिए प्रोटेक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि इतना पैसा देना पड़े अकाउंट से, तो फिर लोगों की देखभाल के लिए उतनी फोर्स बढ़ाई जाएगी, या जो भी और भी सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो कर लेंगे। देखा जाए तो अपने हिसाब से उनकी गाइड है, देखो जिस तरह से जो जाएगा आदमी तो फिर आक्रोश में दिखाएगा। और भी है ना, जैसे हम खुद भी रह रहे हैं यहाँ, तो हमें एक चीज़ करना चाहिए, जब हमें लग रहा है कि हाल ही में कई सारे इंसिडेंट हुए, थोड़ा सेफ्टी हमें भी खुद भी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल, अगर वैसे तो हम लोग सब काम से ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सालों से यही काम रहा है कि घास फूस तो चाहिए ही जानवरों के लिए, और जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इतना तो चाहिए कि लकड़ी के लिए जाएंगे, फिर एक रिस्क बना हुआ है, थोड़ा सा करें कि भाई साथ में चले जाएँ। बहुत ज़बरदस्त बात करी इन्होंने, ये बात बिल्कुल हम भी यही कहते हैं कैमरे पे कि जंगल जाएंगे तो रिस्क तो होगा ही, थोड़ा सा प्रिकॉशन हमारे हाथ में, हमारी गलती भी होती है, बिल्कुल होती है, और फिर बदनामी टाइगर पे आती है। ये खुद भाई पहले वन विभाग से जुड़े हुए थे, तो मैं पूछता हूँ भाई क्या लगता है आपको, ये सेम टाइगर से है या किसी और टाइगर का भी काम हो सकता है ये? अभी तो कई इन्फॉर्मेशन ऐसी आई नहीं है, क्योंकि मेडिकल उनका हुआ नहीं है अभी, हुआ नहीं शायद, हाँ मेरे नॉलेज में जितना है अभी मेडिकल नहीं हुआ उनका, मेडिकल होगा तो फिर जो रिपोर्ट आएगी उससे ही कंफर्म हो सकता तो है कि टाइगर को डीएनए जब टाइगर को पकड़ा जाएगा तब टाइगर वो तो उससे भी पता, उसके मार्क से ही पता चल जाएगा ना। अच्छा, तो उसके पता चल जाएगा, हाँ वो उससे पता चल जाएगा अगर उसका पोस्टमार्टम होगा। अच्छा, वही है या कोई दूसरी है? तो अभी वो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ उनका, अभी मेरे नॉलेज में नहीं है कि पोस्टमार्टम हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और कह रहे थे फिरोज भाई, वो लोग वहाँ पे जब मैं इंसिडेंट पे था कि डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे हम बॉडी रखते हैं, राजा टाइगर आजा, उससे बहुत बहस हुई वहाँ पर, तो फिर पता चला कि बाद में सुनने में आता है जैसे इन्होंने चुकम में कहा था कपड़े विक्टिम के बॉडी के रख दिए थे, टाइगर फंस गया था, तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ कुछ हुआ कपड़े रखने की इजाज़त दी या बॉडी क्या हुआ यहाँ? उसके बारे में बात चल रही थी, काफ़ी बात हुई इस बारे में कि भाई रखेंगे या नहीं रखेंगे, शायद रखा गया था उनको एक दिन की, हो सकता है कि आए करके टाइगर उनको देख के बॉडी रखी थी। हाँ रखी थी शायद, कह रहा हूँ पक्का आपको बिल्कुल कंफर्म, क्योंकि वहाँ से हट गए तो हमें भी नहीं पता। डिपार्टमेंट का थोड़ा सा है ना कि उन्हें प्राइवेसी रखनी है, या बाकी सब लोग फैमिली मेंबर एग्री हुए या नहीं हुए, अभी कुछ आई भी नहीं, वो टाइगर अभी पकड़ा भी नहीं गया, पकड़ा टाइगर अभी नहीं, और भी टीम है। फिर ये है ना कि डेंजरस है, अभी एक बंदे को मारा है फिर हो सकता है कि किसी दूसरे बंदे को अभी पकड़ा नहीं गया, ये नहीं पता कि टाइगर मेल है या फीमेल है, तो ये परेशानियां हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और छोटी सी बात कि जब आप उसमें थे डिपार्टमेंट, जब गश्त पे जाना पड़ता था आप लोगों को भी? नहीं, सबकी ड्यूटी अलग अलग है, जैसे मेरी गेट पे था तो मैं वहाँ करता था, जो फील्ड वाली टीम है वो अलग थी। कभी ऐसा हुआ था कि जैसे टाइगर आसपास आ रहा हो, इंसानों पर आ रहा हो, कभी ऐसा नहीं होता है? बहुत बार देखने को मिलता है कि आसपास टाइगर से निकल गया, या उससे पहले जा रहे हैं हम कि वो पीछे से जा रहा है, कभी पानी पीते हुए, ऐसे मूवमेंट तो बहुत बार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी है अगर।
कि क्या करना है वो डिपार्टमेंट की जो टीम है उसको ज्यादा पता होता है, ज्यादा पता जो इस पे एक्सपर्ट इस एक्सपर्ट हां बिल्कुल। अच्छा, इनके फादर जो है वो भी इस फील्ड से जुड़े हुए थे, फॉरेस्ट से। आपने एक मुझे किस्सा बताया था अपने फादर का, जब वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे टाइगर आया था तो एक बंदा घुटनों पे आ गया था। हाँ, तो मुझे जरा पब्लिक को हमारा वो इंसिडेंट बताएंगे, जब टाइगर सामने आता है तो क्या होता है? नॉर्मली होता क्या है कि नर्वसनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि घुटनों जो हमारे पैर से नीचे का हिस्सा वो काम करना बंद कर देता है। फिर उनके लिए ज़्यादा रिस्की है जो लोग नहीं कनेक्ट करते हैं अभी फॉरेस्ट एरिया से। अब टीम है उनको तो है कि डर तो है, बिल्कुल है कि सामने आएगा, डर तो लगना लाजमी है। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई रैंडम बंदा ऐसे जाएगा जो जंगल नहीं जाता है वो जाएगा तो उसके लिए बहुत हाइपर हो जाता है। टीम थी एक, कोई गाय थी इधर गांव साइड की, वो उधर खींच के ले गया था, तो उसको ढूंढने के लिए लोग जा रहे थे और भी बहुत सारे लोग थे, दो चार लोग और भी थे। तो टीम के साथ वो चले गए आगे, उन्होंने टाइगर को देखा है तो वो काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गए क्योंकि वो कुछ फील्ड में बैठा हुआ था, मतलब जो गाय थी वो उसके पास में थी। वो थोड़ा क्लोज गए तो वो उन पर रोर कर दिया उसने, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। वो नीचे अदर थे और भी टीम थी साथ में, तो उन्होंने तो संभाला, वो लेके आए फिर। तो ये बहुत गहरी बात लगी कि जब देखो टाइगर आता है तो क्या असर पड़ता है इंसान, देखते ही अंदर की बॉडी कप कप आके, पैर काम करना बंद कर दिया, आवाज़ नहीं निकलती लोगों की, ये खौफ होता है टाइगर का। और ये वो लोग हैं जो दिन रात टाइगर को देखते हैं और महसूस भी करते हैं अपने आस पास। तो ऊपर वाले से यही दुआ है भाई कि जल्दी सब ठीक हो जाए, डिपार्टमेंट के लिए भी परेशानी है, बिल्कुल है। आप गांव वालों के लिए भी परेशानी है, बिल्कुल है। तो जल्दी से चीज़ें सॉर्ट आउट हो, कुछ ऐसा निकालें ये कि टाइगर भी सुरक्षित रहे और गांव वाले भी सुरक्षित रहे। गांव वाले ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं कुछ डिपार्टमेंट की, जो जायज़ बात, बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। तो ये तरीके से बात हो, बैठ के बात हो, तो इनकी परेशानी दूर हो और डिपार्टमेंट की परेशानी दूर हो। थैंक यू। तो इन्होंने एक और तगड़ी बात बताई, ये लोग यहाँ बैठे हुए थे अपनी शॉप पे, रात को वहाँ से रोर की आवाज़ आ रही थी। भाई फिरोज भाई, कितना डिस्टेंस होगा उस जगह से? 500 मीटर। कैसी आवाज आ रही थी रोरिंग की? बहुत तगड़ी आवाज आ रही थी, आपको इतना क्लियर आ रहा था जैसे आसपास कहीं पे यहाँ खेत में बोल रहा होगा जैसे। इतना मैंने भैया को बुलाया तो तब तक तो बंद हो गई थी, कोई रिकॉर्ड नहीं करी आपने? 11 कोई ज्यादा वो भी नहीं था। तो देख लो दोस्तों, वैसे तो 500 मीटर कहने को अच्छा खासा दूर होगा, ज्यादा ही होगा, 500 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। भाई इनका क्रिकेट ग्राउंड है, उसके पीछे जंगल है, ये ढेला रेंज में ही आता है वैसे गांव, और इन लोगों को क्रिकेट ग्राउंड मिला हुआ है, गांव वाले क्रिकेट खेलते रहते हैं। और यहाँ इधर उधर देखो घर बने हुए हैं, और पीछे जंगल है। ये ढेला रेंज है, नीचे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं नीचे वाले, ये ढेला रेंज में आता है। इसके पीछे जो है बिजरानी रेंज है, अगर अंदर ही अंदर यहाँ से जाएँ तो 10 किलोमीटर की दूरी पर जाके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आ जाता है बिजरानी का। तो फायर सीजन में ये जो है फॉरेस्ट वाले, कुछ टीम इधर से जाती है कुछ टीम उधर से जाती है, ऐसे काम करते हैं। तो ये ट्रैक बना हुआ है, इससे जाते हैं आगे तक, देख के आते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। और रात में तो खैर इन पूरे फील्ड्स में मैंने दिखाया ना कि वो जंगली सुअर वगैरह आ जाते हैं, उन लेडी ने भी बताया है। वहाँ जा सकते हैं ग्राउंड में? हाँ ठीक है ठीक है, थैंक ठीक है ठीक है। इन्होंने कहा कि आगे चले जाओ ग्राउंड तक, दीवार पार मत करना, जानवर की मूवमेंट है। तो आगे इन लेडी से मिलूंगा अभी मैं, अगर ये कैमरे पे आ गई, आपने सुन तो ली होगी आवाज़, मैंने उनकी तरफ कैमरा नहीं करा था, तो रिकॉर्डेड है ये शायद इनकी चीज़, आवाज़ आ गई होगी। इन्होंने ग्राउंड में मत जाना, आगे दीवार फान के, जानवर का खतरा है। छोटी छोटी यहाँ पे जैसे ये कुछ उसके लिए, गाय के लिए, मवेशी के लिए बांध देते हैं, तो टाइगर ऐसे भी आ सकता है। तो ज़्यादा आगे मुझे लग रहा जा नहीं पाएंगे, तो अम्मा ने बताया कि यहाँ पे रात को है खतरा जंगल का। ऐसे आपके घर में यहाँ तो कभी नहीं आता? एक बार आया इधर, इस वाले खेत में आ गया था, वो पिंजरे में बंद कर लिया, वो हाथी ना आ रहा है। तो डर लगता है आप लोगों को? और डर लकड़ियों को भी नहीं जा रहे भैया, खाने पकाने की आफत हो रही है, सिलेंडर है बाहर, सिलेंडर बताओ इतने कुटुंब में कितने दिन चल जाए। ये भी सही बात है, इनकी भी इनके मजदूर आदमी है बेटा, और फिर बताओ कहाँ लो भरुआ में। सही बात है, इनकी भी परेशानी है अपनी जगह है, लकड़ी उकड़ी लाते रहे तो अपने। आप भी जाती हो कभी लकड़ी ले? हाँ, कभी देखा टाइगर? टाइगर देखे हाँ। क्या करता है टाइगर जब आपके सामने होता है तो? अरे दूर से दिखाई देना है भैया, हम दौड़े जाएंगे तो मार लेगा हमें भी। अच्छा, कभी आप पास में जिससे नहीं देखा?
इतने पास में ना देखा, जैसे इतनी दूर ऐसे देखा। अच्छा देखा है, तो फिर आपने क्या हटा हटा कर दिया? बहुत सारे जने जामे हैं, हम तो एक दो थोड़े जामे हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। घनों को देखकर सभी बोलने चल रहे हैं तो भाग जा भाग जाता है। जो टाइगर जो छोटा होया है जो आदमी को जो अच्छा अच्छा ये छोड़ रखा। अच्छा तो ये छोड़ते भी है? और छोड़ते ना है, छोड़ते हुए तो कर रहे हैं ये हमला। नहीं अम्मा, मुझे तो सुनने में आया था पकड़ के वहाँ ले जाते हैं चिड़ियाघर में, उसे रख देते हैं ले जाके। अरे जना कहाँ कहाँ से ला कर है छोड़ रहे, पता ना। इंसान तो नॉर्मल टाइगर मारने लगता है इंसान को। ऐसा वो ना होया था कभी? अच्छा अरे चार मार दी और चार। अरे अरे ये तो बहुत उसकी बात है। जानवर अच्छा है आदमी अच्छा? बिल्कुल आदमी। जानवर को जरा भी छू दो ना तो चल थाने और चल थाने। तो देखो इनकी जो शिकायतें हैं वो जायज हैं अम्मा, आपकी शिकायतें जायज हैं। देख लो तो ये पूरा गांव है और ये पूरी इनकी फील्ड है, तो ये लोग यहीं खेती करते हैं। हाँ खेती करते हैं वो सब जगह। चौकीदारा करे हैं जब बच रहे गेहूं। अच्छा जंगली सुअर, जंगली सुअर वगैरह भी आ जाते हैं? हाथ सब आ जाते हैं, सारा सबसे मुकाबला होता है आप लोगों का? बिल्कुल होता है। अरे ये पता नहीं होता जिंदगी उठा कर ले जाए कुछ कर दे कुछ पता नहीं होता। अरे आप शेर दिल आदमी, आप कहाँ डर रहे हो इन चीजों से? नहीं डरना, हम उनका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं। बहुत अच्छी जायज बात बोली आपने, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये है कि बेहतर है कि वो देखते भागते हल्ला वल्ला करा अपनी जान को देकर वहाँ बैठे हैं बस। तो कभी टाइगर वाइगर से सामना हुआ आपका भी? टाइगर से क्या, पूरी रात वहाँ बोलता रहता है, चामल दे में मार दिया, ढेला में मार दिया, इधर मार दिया। अभी बीच में दो दिन पहले भी बोल रहा था मुझे, बाहर बताया किसी ने टाइगर बोल रहा था। वहाँ का घूमता रहता है जी ना बोल, मगर ये हमारे सामने नहीं आया, हमें सामने वहाँ मिला, वहाँ मिला, इधर नहीं आया इस तरफ। उस खेत में मिला, वो वाले खेत में मिला जो पल्ली तरफ है। हाँ जी अच्छा उसमें मिला। तो आप भी लकड़ी वकड़ी लेने आप भी सब इकट्ठे जाते हो? अब हम तो नहीं जाते हैं, डर के मारो। अच्छा लेडीज वगैरह जाती हैं? जब पहले मारी थी डर के मारो जा ही नहीं रहा कोई, अब जाने वाले चल जा रहे हैं तो हमला हो जा रही है। अच्छा जी सर, जाने वाले चल जा रहे तो उन पर हमला हो जा रही है, हम लोग नहीं जा पा रहे। ये भी तो देखो कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है अम्मा, हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अगर टाइगर यहाँ आके मारे तो हम कह सकते हैं कि हमारे घर में आया, अब तो वो ये कहते हैं कि तुम मेरे घर में आए। घर में नहीं आया मगर हाथी तो यहाँ तक भी तीसरे तो मारी ना तो कल परसों। हाँ वो तो बेचारी जंगल भी ना गई थी। अच्छा वो तो हाँ बाहर के किनारे मारी थी, बिल्कुल ग्राउंड के ग्राउंड है वो बच्चों खेलने का। देखो वो गए थे लकड़ी करने, उधर किनारे में थी वो औरत, वहाँ पे मार दी। कभी कभी ये होता है देखो जी, हमारे घर में भी कोई आ जाएगा तो हम भी डांटेंगे डूटेंगे कि क्यों आया, तो ऐसे ही इनका होता है। बाकी आप बता रहे थे हाथी कहाँ तक आ गया था? पोल तक आया जो है, खड़ा हो गया पोल पे। अच्छा अरे भाई फिर भगाया आप लोगों ने? हाँ थोड़ा भगाया, फिर वो पीछे लौट आया तो हम भाग घर से आया था। तो ये कैसे पार करता है ये बीच में दीवार? इनके लिए कुछ नहीं, हाथी के लिए तो दीवार भी तोड़ देगा और ये पेड़ पेड़ तक का। तो आप जैसे कभी आ जाता है तो कैसे भगाते हो? शराबा करते हैं, फिर अपनी जान तो बचानी पड़ती, भागना भी पड़ता है पीछे, भागना ही पड़ता है पीछे। लेकिन कभी ऐसे गुलदार वगैरह कभी इस तरफ नहीं आया? टाइगर गुलदार इस तरफ आपके यहाँ पे, इस जगह की बात कर रहा हूँ, आ जाते हैं मगर जो ऐसा कुछ नहीं, कुत्ते बिल्ले उठाए हैं आया है, मगर जो वहाँ पे ज्यादा उसका मूवमेंट रहता है, हर रोज बोल रहा है। अच्छा जी देख लो जी, इन लोगों को टाइगर की आवाज ऐसी सुनाई देती है, हम शहरों में कुत्ते की और बिल्ली की आवाज सुनते हैं। आओ आओ करके हाँ ऐसे बोलता है वो, और जब बोलता है तो गूंजती है उसकी आवाज, दिल में लगती है आके सीधी। हम तो डर के वजह से कहीं को जा ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, डर भी जरूरी है। देखो ईमानदारी, आपने जो बात बोली तो ईमानदारी वाली बात बोली, अपनी जान भी हाँ। तो बचानी। हम लोग जानवरों को नहीं समझा सकते, हम आपस में इंसानों को ही समझा सकते हैं। तो यही फिर दुआ है दोस्तों के सब लोग खुशहाल रहे यहाँ पे। तो अभी मेरी दोस्तों गांव वालों से बात हुई, आपने वीडियो में देखा, तो मैंने भी उनकी बात से बात रखी, मैंने उनसे निकल बातों बातों मैंने उन्हें समझा भी दिया कि वो लेडी थी, मैंने कहा अम्मा ऐसा नहीं होता, उसे लेके चिड़ियाघर में छोड़ा जाता है। हालांकि बहुत सीधे प्यारे लोग हैं,
फिर बाकी दूसरे लोग आ गए, उन्होंने मुझे बताया कैसे हाथी आता है क्या आता है, समझदारी वाली बातें भी करी। तो मैं यहाँ यही कहूंगा कि देखो लोकल लोगों से बात हुई, फिरोज भाई जो यहाँ के लोकल है उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि एक तरफ से कुछ नहीं होगा, दोनों तरफ से ही फैसला होगा, कुछ गांव वाले झुके कुछ डिपार्टमेंट वाले झुके, बीच का हल निकालना पड़ेगा, एक के ऊपर प्रेशर दोगे किसी के ऊपर तो काम नहीं बनेगा, दोनों ही तरफों को समझना पड़ेगा और हमें यकीन है कि डिपार्टमेंट इसमें समझदारी का फैसला ही करेगा। अब पकड़ा जाता है टाइगर क्या होता है, क्या नतीजे निकल के आते हैं, बने रहना हमारे साथ हमारे ब्लॉग्स में।